Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So I welcome you all to our channel. और आज हम बात करने वाले हैं कुछ current affairs topic के बारे में जो कि बहुत important है आपके UGC NET Paper 1 के लिए. तो जैसे कि देखा गया है कि जो past years papers में जो question आ रहे हैं वो काफी ज़्यादा current topic से पूछे जा रहे हैं, यानी कि current affairs से पूछे जा रहे हैं. एंड हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कितने मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. तो हमने सोचा कि एक सीरीज चलाई जाए जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम जुलाई से लेके अक्टूबर के करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, सो उन्हें हम चार पार्ट्स में कवर करने वाले हैं. सो आज इस सेशन में मैं जुलाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि करंट अफेयर्स से रिलेट करते हैं. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज काफी ज्यादा चांसेस है कि जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आ जाए. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं. इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे चैनल अनुज जिंदल यूजीसी नेट को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे एंड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी मिस ना हो. तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. सो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज लॉन्च्ड विच स्कीम इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019 टू प्रोवाइड बूस्ट टू द रिसर्च एंड इनोवेशन इन द इकोनॉमी. तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि जो करेंट गवर्नमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली ऐसी ही स्कीम्स लेके आ रही है जो रिसर्च एंड इनोवेशन को पुश दे. सो यहाँ आपसे पूछा गया है कि यूजीसी 2019 जुलाई में कौन से ऐसी स्कीम को लेके आया था. तो एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं. ऑप्शन ए स्ट्राइड, ऑप्शन बी स्वयं, ऑप्शन सी अर्पित एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. एक बार इन तीनों स्कीम्स को समझना जरूरी हो जाता है ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होते हैं तो आप उनको बहुत आसानी से कर सकें. तो एक बार अर्पित स्कीम को समझते हैं पहले. सो अर्पित स्कीम एक तरीके का रिफ्रेशर कोर्स है. रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब कोई टीचर किसी कॉलेज में ऑटोमेटिकली एज अ लेक्चरर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है तो कुछ टाइम के बाद जो उसकी स्किल्स होती है वो ऑब्सोलीट होने लगती है. और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि जो हमारे करंट टीचर्स हैं उनकी स्किल्स ऑब्सोलीट हो जाए, इसलिए उसने ये इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे एक तरीके का कोर्स होगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को के बारे में बताया जाएगा और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको एक असेसमेंट भी लेना पड़ेगा. सो इससे आपकी जो रेगुलर स्किल्स और नॉलेज है वो अपडेटेड रहेगी और आप स्टूडेंट्स को भी अपडेटेड नॉलेज दे पाएंगे. सो इस स्कीम तो आंसर नहीं होना चाहिए ये स्कीम. नेक्स्ट स्वयं. स्वयं एक तरीके का स्कीम है जो आई थी अंडर द हेड मूक्स, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर. सो ये एक तरीके का ऑनलाइन कोर्स सिस्टम है जहां पे स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टीज डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ सकते हैं घर बैठे हुए वीडियोज देख कर, और साथ ही साथ उस कोर्स से रिलेटेड असेसमेंट और लर्निंग्स भी कर सकते हैं. सो ये घर बैठे बैठे वीडियो कोर्स परस्यू करने के लिए आया था. नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्राइड. ये एक रिसर्च इनोवेशन स्कीम है जिसका नाम है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी. अब इस टर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ट्रांस डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है. तो जैसे कि आपको पता है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर किसी एरिया के बारे में बात करना, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं. लेकिन ट्रांस डिसिप्लिनरी का मतलब होता है जब जो आप रिसर्च परस्यू कर रहे हैं इट इज़ बियॉन्ड बाउंड्रीज, मतलब उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे डिसिप्लिन एक बार लगेंगे और आपका एम ये होगा कि इन चीज़ों को मिक्स करके इन चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करके एक ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट या न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के तरीके से रिसर्च को बूस्ट किया जाए या फिर इनोवेट किया जाए. सो ये एम था इस स्कीम का और यही हमारा आंसर हो जाता है. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ए, दैट इज स्ट्राइड. सो आपने देखा कि अगर आपको इस स्कीम के बारे में नहीं पता है तो आपने ये आंसर गलत कर दिया होता. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विच इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग द सेक्स रेशियो एट बर्थ बाय इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम. सो ऑटोमेटिकली इस स्कीम के बारे में हमने काफी ज्यादा सुना है, ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती है. तो यहाँ पे हमसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस स्कीम के अंतर्गत कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पे काम किया है. सो सेक्स रेशियो के बारे में आपको पता होगा इट इज कंपेयर्ड कि कितनी फीमेल्स है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू पर 1000 मेल्स. सो जनरली देखा गया है कि कुछ स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड झारखंड में जो ये सेक्स रेशियो बहुत कम है. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स ली जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है इन ऑर्डर टू इन्हेंस द सेक्स रेशियो.
तो यहाँ पे एक स्टेट आइडेंटिफाई किया गया था जो कॉन्टिन्यूसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ सेक्स रेशियो, और जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज उत्तराखंड। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पीपल एंड एनवायरमेंट के टॉपिक से मिल सकते हैं, तो आप ये जरूरी है कि ये सारे करंट अफेयर्स आप ठीक से कवर कर लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब अगेन ये जो करंट अफेयर है वो पॉल्यूशन टॉपिक से रिलेटेड है, और पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट में काफी ज्यादा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहां आपसे पूछा गया है कि जो इंडियाज लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो कौन सी सिटी में बिल्ट करने किया जाने वाला है इन पार्टनरशिप विद फ्रेंच कंपनी सुएज ग्रुप। सो ये कॉन्टिन्यूसली न्यूज में था, मैं आपको बता दूं अगर आप थोड़ा भी न्यूज पढ़ते हैं या आपने कभी सुना हो, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है जहां पे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना सके जहां पे सारी की सारी जो सीवेज है वो वहां पे प्रॉपरली डिस्पोज हो सके। सो क्योंकि ये इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया है इसलिए ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी दिल्ली में बन रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दिल्ली। थोड़ी आपको और नॉलेज दूं मैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये ओखला एरिया में बनने वाला है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हायर एजुकेशन बोर्ड हैज मैंडेटेड ऑल द स्टेट रन यूनिवर्सिटीज टू प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रेन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड वुमेन और देवदासीज। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हायर एजुकेशन क्वेश्चन के करंट अफेयर से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा एजुकेशन बोर्ड है, हायर एजुकेशन बोर्ड है, जिसने ये मैंडेटरी कर दिया था या मैंडेट लेके आया था कि उस स्टेट की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होंगी वो 1% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगी गर्ल चिल्ड्रेन को जो सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड वुमेन से रिलेट करती हैं या फिर देवदासी से। सो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया है, नया टर्म आया है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड दैट इज देवदासी। सो एक देवदासी ये जो सिस्टम है ये सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से रिलेट करता है, और इस सिस्टम में क्या होता था कि पुराने जमाने में जो विमेन्स होती थी उनको गॉड को दे दिया जाता था, या आप कह सकते हैं गॉड की भक्ति में लगा दिया जाता था, और इनकी शादी नहीं की जाती थी। तो पूरी लाइफ ये सिर्फ और सिर्फ गॉड से रिलेटेड, रिलीजियस से रिलेटेड चीज़ों या फिर रिचुअल्स को परफॉर्म करती थी टेम्पल्स के अंदर। बट एक्चुअल रियलिटी में क्या होने लगा कि रिलीजन के नाम पे इन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाने लगा प्रीस्ट द्वारा। सो इस सिस्टम को देवदासी सिस्टम कहते थे। काफ़ी ज़्यादा इस पे इनिशिएटिव्स लिए गए थे और कोशिश ये की गई थी कि अप्रॉक्सीमेटली 1988 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इस पर्टिकुलर सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाए, बट अभी भी कई ऐसे पार्ट्स हैं सदर्न इंडिया में जहाँ पे ये सिस्टम प्रेवलेंट है। सो यहाँ पे ये एम है कि 1% रिजर्वेशन फॉर गर्ल चाइल्ड किया जाए। तो सिर्फ पहली बात तो हम सदर्न पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे गेस भी लगाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे दो स्टेट्स के बीच में, दैट इज केरला एंड कर्नाटका। और अगर आप लॉजिकली भी सोचते तो क्योंकि केरला बहुत ही अच्छा लिटरेसी प्रोन स्टेट है, बहुत अच्छी लिटरेसी है वहाँ पे, सो केरला के चांसेस कम है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज कर्नाटका। सो कर्नाटका हायर एजुकेशन बोर्ड ने ये मैंडेट निकाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद भारत डायनेमिक्स हैव जॉइंटली सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। तो जैसे जैसे हम नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे तरफ बढ़ रहे हैं, हम रेगुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ बताना चाहूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरीके की टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन स्कीम है, या आप कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जहां आपके बिना बोले चीज जो मशीन्स हैं या जो सॉफ्टवेयर हैं वो अपने आप आपके इमोशंस को, या आप क्या टाइप करना चाहते हैं, या आप क्या आप सोच रहे हैं, या आप क्या आपका मूड है, इन सारी चीज़ों को अपने आप ही समझ लेते हैं बेस्ड ऑन योर एक्शंस एज वेल एज बिहेवियर्स। इसका एक रीसेंट एग्जांपल है कि अगर आप गूगल की बात करें, अगर आप जीमेल की बात करें, तो जीमेल आजकल आपका मूड्स एंड इमोशंस के हिसाब से इमोजीज दिखाने लग गया है आपके मेल पे। सो लेट अस से कि आप एक ईमेल लिख रहे हैं अपने किसी कलीग को, सो वो आपकी ईमेल को पढ़ के आपके ईमेल की लैंग्वेज से ये बता देगा कि आपके ईमेल का मूड क्या है। सो कई बार आपको अलग अलग स्माइलीज देखने मिल सकती हैं कि वो अगर आपका मूड प्लेजेंट मूड है तो वो आपको प्लेजेंट स्माइली दिखाएगा, अगर आप एंग्री मूड में हैं तो वो आपको एंग्री स्माइल दिखाएगा, एक्सेट्रा। सो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही फीचर है। सो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने कोलैबोरेशन में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद रिस्पेक्ट टू मिसाइल एंड टेक्नोलॉजी खोला था। सो ये काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में था, और इसका आंसर है ए, दैट इज IIIT हैदराबाद। इसका एक बार फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल
इट इज नॉट इंडियन, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. सो ये इसका फुल फॉर्म है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ये इसका फुल फॉर्म है और ये इंस्टीट्यूट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है इन ऑर्डर टू सेटअप सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. गूगल इंडिया एंड टाटा ट्रस्ट विल एक्सटेंड देयर इंटरनेट सारथी डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम इन विच ऑफ द बिलो मेंशन टू स्टेट्स टू इनहांस डिजिटल लिटरेसी अमंग रूरल वुमेन. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इंटरनेट साथी प्रोग्राम क्या था. इंटरनेट साथी जैसे नाम ही आपको बता रहा है, ये एक स्कीम थी, ये एक प्रोग्राम था जिसका एम ये था कि हम वुमेन्स को डिजिटली लिटरेट बनाएं, वो अपने आप इंटरनेट को यूज करके अपनी नॉलेज एज वेल एज स्किल्स को बढ़ा पाएं. और ये साथी इसलिए है क्योंकि ये एक तरीके से आपके साथ रहता है और आपकी हेल्प करता है काफ़ी चीज़ों में. साथ साथ इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी था कि एक बार अगर कोई एक विलेज की विमेन इस चीज़ को चलाना सीख जाती है या उसके बारे में उसे जानकारी मिल जाती है तो वो अदर विलेज की विमेन्स के साथ भी इसे शेयर कर सकती है एज अ फ्रेंड. सो इसलिए इसका नाम इंटरनेट साथी रखा गया था और ये ऑलरेडी 18 स्टेट्स में आ चुका है. सो कॉन्टिन्यूसली गूगल इस पे इनिशिएटिव ले रहा है और ऑलरेडी ये सक्सेसफुल हो चुका है 18 स्टेट्स में. बट अब इसने एक्सपैंड करने के लिए दो और स्टेट्स चुने हैं और वो स्टेट्स हैं पंजाब एंड ओडिशा. सो ये भी करेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस अच्छे हैं. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कैबिनेट हैज़ पास द नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017. सो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास हुआ था और इसकी वजह से जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट है 1956 का वो अबॉलिश कर दिया गया है. सो इस नए एक्ट के आने से जो पुराना एक्ट था जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था रिलेटिंग टू मेडिकल प्रोफेशन वो एलिमिनेट हो गया है या आप कह सकते हैं रिपील कर दिया गया है. एंड यहाँ पे उसका पर्पस क्या है कि जो भी कॉमन फाइनल ईयर MBBS लोग क्वालिफाई करते हैं या फाइनल ईयर में हैं उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया जाए एंड साथ साथ वही एंट्रेंस टेस्ट यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लाइसेंसेस फॉर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन. तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बना दिया गया है. सो यहाँ में बताना है कि उस कॉमन एंट्रेंस का टेस्ट का नाम क्या है. इज इट नेशनल एग्जिट टेस्ट, इज इट नेशनल मेडिकल टेस्ट, इज इट नेशनल फार्मेसी टेस्ट और इज इट डी नेशनल एंट्रेंस टेस्ट. सो मैं आपको बता दूं कि जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल एग्जिट टेस्ट और इसलिए है क्योंकि आप अपने फाइनल ईयर MBBS के एग्जाम को एग्जिट करके लाइसेंस प्रोक्योर करके मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सके. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज रिलीज द UGC गाइड नेम टैच टू एक्वेंट न्यू स्टूडेंट्स विद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम. सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया जहां पे उसने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें हम इंडक्शन प्रोवाइड कर सके या हम ओरियंट कर सके आने वाले नए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स के बारे में. सो इसमें एम ये होगा कि आप स्टूडेंट्स को प्रॉपर नॉलेज दें, प्रॉपर कल्चर से एक्वेंट कराएं कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने वाले हैं उसका क्या विजन है, क्या कल्चर है उसका, ताकि जो स्टूडेंट नया आ रहा है वो आसानी से उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो सके. तो ये एम था इस पर्टिकुलर स्कीम का और हमें बताना है कि ये कौन सा इनिशिएटिव था. सो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. इज इट MOOCs? MOOCs तो नहीं होना चाहिए बिकॉज MOOCs का तो फुल फॉर्म हमें पता है, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये तो नहीं होना चाहिए आंसर. ज्ञान दर्शन के बारे में बात करूं तो ये इग्नू से रिलेटेड एक चैनल है, टेलीविजन चैनल है जिसमें आप कोर्सेज और करियर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं. अगर मैं मूसा के बारे में बात करूं तो इसके बारे में हमने अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स में पढ़ा था कि ये माध्यमिक उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम है जहां पे जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी. तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए. सो क्लियर कट जो हमारा आंसर है वो हो जाता है दीक्षारंभ. सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज दीक्षारंभ. सो ये वो इनिशिएटिव था जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम से रिलेट करता था. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम कॉल्ड डैश अंडर विच द इंस्टीट्यूट्स एक्रीडिटेड बाय नैक, दैट इज नेशनल एक्रीडिटेशन असेसमेंट काउंसिल. अगर आपको याद हो हमने इसके बारे में इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन में पढ़ा था कि ये क्वालिटी एश्योर करता है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या फिर नहीं, और ये नेसेसरी मेजर्स भी लेता था ताकि ये आपको पैरामीटर्स बता सके कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाएंगे या फिर
प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। सो अगेन इसने एक स्कीम को लेके आया है जहां पे जो बेटर इंस्टीट्यूट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपने से नीचे इंस्टीट्यूट्स को गाइड करेंगे लोअर इंस्टीट्यूट्स को, ताकि वो भी क्वालिटी इन्हांस करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा सके। सो इस स्कीम का नाम बताना है हमें, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, परामर्श, ज्ञानवाणी, रूसा एंड नन ऑफ द अबव। तो ये चार ऑप्शन हैं हमारे। अगर ज्ञानवाणी के बारे में बात करूं, सो ये अगेन एक इग्नू का रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर मैं रूसा के बारे में बात करूं, तो अगेन ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, जो कि हायर सीनियर हायर एजुकेशन के बारे में बात करता है, जहां पे ये इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात करता है इन क्लासेस 11th एंड 12th। सो अगेन इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन बच रहा है, दैट इज ए, परामर्श। और किसी एंगल से आप लॉजिकली भी सोचें, ये परामर्श का मतलब होता है सजेशन देना। सो यहाँ पे जो हाई या फिर कह सकते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोअर लेवल इंस्टीट्यूट्स को सजेशंस के लिए बताएंगे, सजेशंस देंगे, ताकि वो भी अपनी क्वालिटी इन्हांस कर सकें। सो जो हमारा क्लियर कट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, दैट इज परामर्श। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू मूविंग प्राइस इंडेक्स 2019 रिलीज बाय मूविंगा, विच इज अ जर्मन रिलोकेशन एक्सपर्ट फर्म, ये एक एक्सपर्ट फर्म है, जर्मन बेस्ड फर्म है, जो प्राइसिंग इंडेक्स कैलकुलेट करती है, उससे हम और हमें यहाँ पे ये बताना है कि उसने इंडिया की कौन सी सिटी को सबसे ज्यादा चीपेस्ट बताया है फॉर रिलोकेशन पर्पस। सो रिलोकेशन में बेसिकली चीजें आती हैं फूड, शेल्टर और जो भी रहने के ट्रांसपोर्टेशन है और ये सारी चीजें, तो कौन सी सिटी इंडिया की ऐसी है जो मूविंग प्राइस इंडेक्स के हिसाब से सबसे चीपेस्ट मानी गई है। अब आई एम श्योर कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के लग रहा होगा कि वो एक नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट मैं बता दूं कि जो सिटी आइडेंटिफाई करी गई है, दैट इज सी, दिल्ली। तो कई बार लोगों को लगता है कि दिल्ली बहुत ही कॉस्टली सिटी है, बट अकॉर्डिंग टू दिस मूविंग प्राइस इंडेक्स 2019, दिल्ली को सबसे चीपेस्ट सिटी कहा गया है इंडिया का, और इसको जो रैंक मिली है वो है 85th। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछा जा सके। और अगर रिवर्स में मैं आपको बताऊं कि कौन सी ऐसी सिटी है जिसे सबसे एक्सपेंसिव कहा गया है, तो वो सिटी है सैन फ्रांसिस्को। सो आप ये दोनों चीजें याद रखें, ताकि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप बहुत आसानी से दोनों चीजों का आंसर कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजीसी डिक्लेयर 23 यूनिवर्सिटीज एज सेल्फ स्टाइल्ड एंड अनरिकग्नाइज्ड एंड दीज कॉन्ट्रेडिक्ट द यूजीसी एक्ट 1956, विच स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ अनरिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉलोड बाई दिल्ली। तो जैसे कि आप ऑटोमेटिकली न्यूज में सुनते रहते होंगे कि बार बार यूजीसी काफी सारी यूनिवर्सिटीज को, काफी सारी अलग इंस्टीट्यूशंस को डिबार कर देती है, या फिर आप कह सकते हैं उन्हें अनरिकग्नाइज कर देती है। और इसका रीजन ये होता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यूजीसी ने बनाए हुए हैं एज पर इट्स एक्ट ऑफ यूजीसी एक्ट 1956, वो कई बार वो कंप्लाई नहीं करते। सो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको कंप्लाई नहीं करेंगे, तो आपको डिबार ही किया जाएगा, या फिर आप अनरिकग्नाइज ही किए जाएंगे। सो यहाँ हमसे बहुत इजी टर्म्स में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज को डिबार किया गया है आफ्टर दिल्ली। तो सेकेंड तो हमें पता चल गया कि सेकेंड जो स्टेट है वो है दिल्ली, और जो फर्स्ट स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज को डिबार किया गया है, इट इज नन अदर देन ए, दैट इज उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश हमारा क्लियर कट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड स्मार्ट एग्रीकॉप्टर विच हेल्प्स इन इफेक्टिवली स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ओवर द फील्ड एंड दस एलिमिनेटिंग मैनुअल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कौन से इंस्टीट्यूट ने स्मार्ट एग्रीकॉप्टर बनाया है जिसकी मदद से आप फ्रीली पेस्टिसाइड्स को स्प्रेड कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में विदाउट मैनुअली स्प्रेडिंग इट। सो इसके बारे में रिसेंटली न्यूज में था, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईआईटी मद्रास। सो आईआईटी मद्रास ने ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, या पर्टिकुलर टूल कह सकते हैं, बनाया है। सो ये एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जो आज हमने ये 12 क्वेश्चन किए हैं जुलाई से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के लिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारी आने वाली जो बाकी वीडियोज हैं, वीडियो सीरीज हैं, उसके अंदर हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके आएंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये वीडियोस कंटिन्यूअसली देखते रहिए। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।